अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं अपने लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी लाई हूँ, नट्स केक की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्द तैयार होने वाली है। इसके लिए मुझे जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून बादाम और तकरीबन 2.5 टीस्पून जो है वो मुझे चाहिए पिस्ता। इसमें बादाम और पिस्ता ही जाएंगे। और 1 कप चाहिए मुझे तेल, सॉरी ये 1 कप नहीं, 1/2 कप मुझे तेल चाहिए, 1 कप मुझे मैदा चाहिए, 1 कप चीनी चाहिए, 2 अंडे चाहिए, 1/3 कप प्लस 1 टेबलस्पून मुझे दूध चाहिए और वनीला एसेंस चाहिए, तकरीबन 2 टीस्पून मुझे वनीला एसेंस चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों केक बनाने को। मैंने एक ब्लेंडर में दोनों अंडे डाल दिए हैं। अब मैं इनको बीट करूँगी ताकि इनका कल जो अंडों का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। सब अंडे ही डाल के इसमें उसको मैं बीट इसको मिक्स करूँगी, अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी तो इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं या ब्लेंडर, आपके पास वो है ब्लेंडर है तो उससे भी आप कर सकते हैं। मैं इसमें ही बनाऊँगी अंडों को। जब उसका कलर चेंज होगा तब हम इसमें ऑयल डालेंगे और फिर चीनी डाल के 2 मिनट्स और मिक्स करेंगे। ये देखिए अंडे का कलर आप देख सकते हैं वाइट कलर का हो गया, पेल वाइट हो जाए हो गए। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1/2 कप ऑयल, 1 कप शुगर, थोड़ी सी ऐड शुगर थोड़ी सी करके ऐड कर, पहले थोड़ी डाल के मिक्स करूँगी और फिर थोड़ी और डाल के मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने तेल डाला तो उसका कलर आप देखें येलो हो गया। यहाँ पे आप विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ विस्क इस्तेमाल करूँगी, विस्क का इस्तेमाल करूँगी। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, इसमें अच्छी है मिक्स होता है। यहाँ पर आपको एक और टिप दे दूँ मैं, जो आप केक में अंडे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और जो दूध है वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। जब भी आप केक बनाएं उसमें आप अंडे डालते हैं और जो दूध डालते हैं वो याद रखें हमेशा रूम टेम्परेचर पे होंगे तो केक आपका अच्छा बनेगा। कभी भी केक में ठंडा दूध या ठंडे अंडे नहीं डालने चाहिए, हमेशा वो रूम टेम्परेचर पर ही। अब देखें कलर्स का और चीनी से मिक्स हो चुके हैं, हम जो बाकी हमारी चीनी थी हम वो उसमें ऐड करेंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप चीनी को 1/3 कप भी कर सकते हैं, मैंने 1 कप ही ली है। लेकिन ये हमेशा ये क्वांटिटी होती है कि अगर 1 कप मैदा है तो उसमें 1 कप ही चीनी लेनी चाहिए, लेकिन आपको मीठा कम पसंद है तो आप कम कर लें चीनी को। अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस, टू टीस्पून वनीला एसेंस हो गया।
मिक्स करेंगे मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, जो हमने एक कप मैदा लिया था, एक कप मैदा लिया था वो ऐड करेंगे इसमें। सारा नहीं है इकट्ठे शामिल करेंगे, थोड़ा सा करके शामिल करेंगे। अगर आप सारा इकट्ठे शामिल कर देंगे तो वो लम्स बन जाएंगे केक में, और फिर केक है वो अच्छा नहीं बनेगा, उसमें लम्स होंगे और केक बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, प्रोसेस करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्स नहीं है। तकरीबन तीन हिस्सों में करके हम ये दूसरा हिस्सा चला गया। आपको दिखा दी किस तरह के लम्स होते हैं, आप एकदम से डाल लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है तो। हमारा बैटर थिक हो गया तो हम इसमें पहले मैदा ऐड करेंगे, तीसरा पोर्शन। फिर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर, वन टीस्पून बेकिंग हाफ बेकिंग सोडा एंड वन टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करूंगी मैं दूध, दूध थोड़ा पहले ऐड करूंगी, मिक्स करूंगी। अगर आप एकदम से डालेंगे तो जो इस तरह के लम्स हैं वो आपके बैटर में बनना शुरू हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं जो ऊपर पड़ा हुआ है, ऊपर ये इस तरह के आपके लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बैटर को मैदे को थोड़ा सा करके डालें तो वो अच्छा है, और इस तरह आपके लम्स नहीं बनेंगे। आप देख रहे हैं आपको थोड़ा सा लम्स नजर आ रहे हैं इसमें, तो हम इसमें अपना दूध शामिल करेंगे। हर दूध डाल देंगे हम इसमें अपने, मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें डालेंगे हम इसमें पिस्ता, बादाम, आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये दो ही ड्राई फ्रूट्स इसमें जाएंगे, पिस्ता और बादाम। अगर आपको पिस्ता नहीं पसंद तो आप इसमें बादाम की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, पिस्ते की जगह आप बादाम कर सकते हैं। लेकिन आप दो डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी भी हमारा बैटर थोड़ा थिक है, हमें तकरीबन उसमें 2 टीस्पून दूध के और डालेंगे। ये दूध डाल दिया मैंने, उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया है। अभी उसके साथ मिक्स करेंगे। आपने अच्छी तो सही तरीके से मिक्स करना है अंडों को, आपने अच्छा सही तरीके से फेंट उसमें ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, या बीटर से आप कर लें या विस्क से कर लें। तो अगर आप सही नहीं करेंगे तो केक में जो है अंडे की स्मेल रह जाएगी, वो फिर अंडे की स्मेल रहेगी, केक अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए और बैटर की कंसिस्टेंसी गुड रेडी है। अब इसमें मैंने एक पैन ले लिया था, अब कोई भी घर का पैन ले सकते हैं। उसको मैंने ऑयल से और ऑयल से ग्रीस करके उसमें मैदा टेस्ट कर लिया था। मैं पूरा बैटर इसमें डालेंगे। तो बैटर डाल के हम इसको फैलाएंगे। ये देखिए मैंने सारा बैटर डाल दिया है। अब मैं पैन को मीडियम हीट पे पहले प्रीहीट करूँगी 10 मिनट्स के लिए और फिर उसमें मैं अपना ये बैटर रखूँगी। ये देखिए पैन प्रीहीट हो गया, तो मैंने अपना जो बाउल था केक वाला वो इसमें रख दिया है। आँच जो है मैंने लो टू मीडियम रखी है और हम इसको तब तक बेक करेंगे जब तक ये पूरा पक के तैयार ना हो। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स तक हम इसको बेक करेंगे। और फिर आपको दिखा दें मेरा केक रेडी है। ये देखिए हम व्यूअर्स देख सकते हैं हमारा केक फूलना शुरू हो गया है, बेक होना शुरू हो गई। हमारा केक कम्प्लीटली बेक हो चुका है। अब मैं इसमें आपको स्टिक डाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल क्लीन निकली है, हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतना अच्छा हमारा केक बेक हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए साइड से भी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।